वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। मित्रों, आज मैं खड़ा हूँ मुखर्जी नगर में, जिनसे आप मैं मिलाना चाहता हूँ। यूपीएससी एस्पिरेंट किस प्रकार से अपने जो रूम पे सेल्फ स्टडी करते हैं, और जो अभी यहाँ पर देख रहे हैं भैया पढ़ रहे हैं, तो भैया से दो चार क्वेश्चन करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे, और ये जानना चाहेंगे किस प्रकार से ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इनके भैया से पहले पूछेंगे, सर आपका एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर, मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 2 सालों से दिल्ली में रह के मैंने कोचिंग कर ली थी दृष्टि से, और अभी मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। 2023 के प्री के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और मैंने मेंस के भी कर रहा हूँ साथ में, और प्री की भी साथ में कर रहा हूँ साथ में अभी। तो सर, आपकी रणनीति क्या रहेगी अभी 2023 का एग्जाम के लिए? सर मेरी 2023 की रणनीति यही होगी कि मैं मेंस के साथ साथ प्री की तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल तो, और फिर जब 90 प्लस कर जाएंगे तब मैं पीवीआई की सॉल्व करूंगा और सब कुछ रणनीति बना जाऊंगा प्री के लिए। बेसिक बुक पढ़ूंगा, करंट अफेयर पढ़ूंगा, और सब ऐसे पढ़ूंगा, रिविजन करूंगा, बाकी बस उस समय पीवीआई की सॉल्व करूंगा। तो सर, आप स्टूडेंट के लिए क्या सजेशन देना चाहोगे, जब एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो नए एस्पिरेंट होता है उनको कुछ मालूम नहीं रहता है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, नए स्टूडेंट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बस ज़्यादा मटेरियल के लिए उधर उधर मत ना भागे, और एक पर्टिकुलर बुक बना रहे और उसी के हिसाब से तैयारी करते रहे, और रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, कम से कम 50 बार तो रिविजन होना चाहिए कोई भी टॉपिक का, ताकि आपका कहीं से भी सवाल आ जाए आपका हो जाए, और पीवीआई को सॉल्व करो, पीवीआई की बहुत ज़रूरी है इस टेस्ट में, तो बाकी सब तैयारी है। तो देखिए, जैसे भैया ने बताया है कि 2 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, और इन्होंने दृष्टि से कोचिंग भी कर रखी है, तो भैया अभी तैयारी कर रहे हैं, और अब की बार जो 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, तो भैया ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आपको अगर तैयारी करनी है तो ज़्यादा रिसोर्स आपको इकट्ठा नहीं करना है, आपको पास जो भी रिसोर्स है एक सब्जेक्ट के, उस रिसोर्स को आपको पढ़ना है, और उसके बाद में बार बार रिविजन करना है, रिविजन करने के बाद में आपको वहाँ पर पीवीक्यू लगाना है प्रीवियस ईयर के, और टेस्ट लगाना है, इसी के साथ आपको तैयारी करनी है, ठीक है, ज़्यादा भटकना नहीं है। तो भैया का बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका। तो वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।